सारी डिटेल मेंशन कर दी, मैंने टाइटल दे दिया, कंपनी का नाम दे दिया, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने सैलरी बता दी, यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर ली, स्टार्टिंग डेट लगा दी, करंटली वर्किंग ईयर मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दी। और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को हम सही कर लेते हैं क्योंकि हमने फाइवर पे फ्रीलांस का है, तो हम लिखेंगे फ्रीलांसर इन फाइवर, कुछ भी एक डिस्क्रिप्शन जो अच्छी सी, मैंने ये काफ़ी छोटी लिखी है, आप जरा एक बेहतर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद सेव कर दें। जिस तरह हमने एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा एक दफ़ा ही ऐड की थी, हम यहाँ पे एक्सपीरियंस भी अपने काफ़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपके 2 से 3 एक्सपीरियंस है, आप फर्स्ट एक्सपीरियंस को हमेशा एक फ्रीलांस रखें अगर आपकी आईटी के रिलेटेड कोई भी जॉब है, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो आपने कंपनीज में काम किया वो मेंशन करें। जब आप ये सारे मेंशन यहाँ पे ऐड कर लें, और अगर जिस तरह लास्ट एजुकेशन में कोई गलती हुई थी तो हमने उसको एडिट करके बाद में सेव कर लिया था, इसी तरह आप इसको भी एडिट करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और ये आपकी प्रोफाइल सेटअप हो गई है, काफ़ी हद तक सेटअप हो गई है। इसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई वो हम अभी सेटअप करेंगे। उसके बाद ये आपको कह रहा है कि वो जस्ट सेंड अ कन्फर्मेशन ईमेल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपका Rozee.pk या इन पांचों वेबसाइट पे अकाउंट तब तक अप्रूव नहीं होगा, मतलब आपका वो अकाउंट किसी काम का नहीं है जब तक कि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई नहीं करेंगे। इसीलिए हमें अपनी ईमेल सही देनी है। यहाँ पे आप वो देखें, वो कह रहे हैं कि हमने एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड की है आपके आपकी ईमेल पे। तो इस कन्फर्मेशन ईमेल को एक्टिवेट करने का क्या तरीका है कि आप एक न्यू टैब में आ जाएं, यहाँ पे जीमेल अपनी ओपन कर लें। जो भी आपने यहाँ पे अपनी ईमेल प्रोवाइड की थी, मैंने ये वाली ईमेल प्रोवाइड की थी, तो मैं उसके जीमेल अकाउंट में आ जाऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ईमेल उन्होंने दिया हुआ, और उसका आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी देख सकते हैं, वेरीफाई योर अकाउंट ऑन Rozee.pk। मैं इस पर क्लिक करूँगा इसको ओपन करने के लिए, और बाद में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कन्फर्म योर Rozee अकाउंट। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका Rozee पे अकाउंट अप्रूव नहीं होगा और आपको जॉब्स नहीं आएंगी। आप जब ये कर लेंगे, ये देखें वो इस टैब में आ गया, यहाँ पे आप इस टैब को बंद कर सकते हैं क्योंकि ये सेम टैब था, ये बेहतर टैब में आ गया। यहाँ पे अब आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल इमेज ऐड कर लें। इमेज ऐड करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करें, और उसके बाद अपने पीसी में से जो भी आपकी इमेज जहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। जब आप इमेज अपलोड कर देंगे तो वो इमेज आपकी यहाँ पे प्रोफाइल में शो होने लग पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कितने हद तक कंप्लीट है, और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपकी इन पांचों वेबसाइट पे प्रोफाइल हमेशा 100% कंप्लीट रहनी चाहिए। और अब हम इन पांचों वेबसाइट पे अकाउंट भी बनाएंगे क्योंकि हमारे फर्स्ट वेबसाइट थी Rozee, इस पर हम 100% कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वेबसाइट्स पे भी कंप्लीट करेंगे। ये देखने के लिए कि आपकी कौन कौन सी चीज़ अभी रह गई है जिसकी वजह से कि आपको ये 50% मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि इस साइट पे वो हमें बता भी रहा है कि कौन कौन सी चीज़ हमें अभी ऐड करना ज़रूरी है। जो चीज़ें ये ग्रीन चेक के साथ हैं वो मतलब कि ओके हैं, उनके जितने पॉइंट्स थे हमें मिल रहे हैं, और जो चीज़ें ये रेड एरो के साथ हैं मतलब वो अभी रिक्वायर्ड हैं और वो हमने ऐड नहीं की, और उनकी वजह से ये हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसने लिखा हुआ है प्रोफेशनल समरी, यहाँ पे आप फर्स्ट टैब ही देख सकते हैं, समरी का टैब है ये वाली समरी। आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए टैब में से किसी में भी डाटा ऐड करने के लिए आप उसके प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और ये एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे जो भी मेरी प्रोफेशनल समरी क्या होगी, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। जारी बात है, जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये आपका CV का वो पॉइंट है, आपकी CV आपको इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छे से लिखना था कि आपका एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट सामने वाले पे पड़े। यहाँ पे आप एक, और इसको अच्छा लिखने का क्या तरीका है कि आप अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप 5 से 6 डेवलपर्स की CV को देखें जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, और देखें कि उन्होंने अपनी समरी में क्या लिखा हुआ है, और बाद में उन सबकी CV को रीड करने के बाद आप अपनी एक प्रोफेशनल समरी यहाँ पे लिखें। यहाँ पे मैंने ये डेमो डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे सही अपनी समरी एक ऐड करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे, और उसका तरीका मैंने आपको बताया कि आप 5 से 6 डेवलपर्स, अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो डेवलपर्स की CV को देखेंगे, नहीं तो डिज़ाइनर, जो भी आप प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें जो करंटली काम कर रहे हैं उनकी CVs को देख के एक अपनी समरी यहाँ पे, एक बेहतरीन समरी यहाँ पे लिखेंगे। समरी लिखने के बाद आप जब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टिक हो गया, और यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो 70% हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट सेट करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्या हमारा
स्किल्स को हम बाद में ऐड करेंगे, हम ये टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे। प्रोजेक्ट्स आ गए, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स आ गए, हम क्लिक करेंगे। और जब आप एक प्रोजेक्ट ऐड करने लगेंगे तो सबसे पहले वो एक प्रोजेक्ट की इमेज आपसे मांगेगा। इनमें से कोई भी फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है स्वायर डिस्क्रिप्शन के, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट चाहे वो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट है क्या। बाकी सारी चीज़ें इन रिक्वायर्ड हो सकती है, मतलब कि हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट की इमेज ना हो, या किसी प्रोजेक्ट का कोई नाम ना हो, या एक प्रोजेक्ट है जिसका URL, सारी बात है कि अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन बेस्ड काम किया है तो उसका कोई URL तो नहीं ना बनेगा। URL तो उसी चीज़ का बनेगा जो ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट लिखने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पे इमेज, जो भी आपके प्रोजेक्ट की इमेज बन रही होगी, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया है तो आपने जो वो एक घर बनाया तो उसकी एक तस्वीर लेके कि ये मैंने काम किया है। अगर आप एक डिज़ाइनर थे तो जो आपने लोगो बनाया या जो आर्टवर्क बनाया उसकी एक इमेज यहाँ पे लिख देंगे। और अगर आप एक डेवलपर हैं, आपने एक वेबसाइट बनाई है, तो आप अपनी वेबसाइट का होम पेज की इमेज लगा सकते हैं, या मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने वेबसाइट का लोगो यहाँ पर लगा दें। जो भी आप इमेज लगाना चाहें वो आप लगा दें, मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल इमेज ही लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपके प्रोजेक्ट का नेम हो वो यहाँ पे लिखना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नेम बन रहा हो वो आप यहाँ पे लिख दें। और आप वेबसाइट का क्या लिख सकते हैं, जो वेबसाइट का नेम हो, मतलब ये अगर हमने Rozee.pk का प्रोजेक्ट किया होता तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम हो जाता Rozee.pk। और बाद में URL में क्या आ जाता, Rozee.pk का URL आ जाता। हम इसी को चले कॉपी कर लेते हैं, हमने किया तो नहीं है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ डेमो के तौर पर इसको कर लेते हैं। यहाँ पे URL आ जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग डेट क्या है कि ये प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कब किया। हम कह देते हैं कि भाई हमने Rozee.pk का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था दिसंबर 2018 में। और एंडिंग डेट क्या है कि आपने ये प्रोजेक्ट ख़त्म कब किया, जब आपने कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया। हमने कहा कि हमने भाईजान ये मार्च के 2019 में, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ ये 4 महीने में Rozee.pk बना दिया। और अगर हमारा ये प्रोजेक्ट अभी करंटली ऑनगोइंग है तो हम यहाँ पे करंटली ऑनगोइंग पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि वो एंडिंग डेट, ज़्यादा बात है जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है तो उसकी कोई एंडिंग डेट तो नहीं ना होगी कि वो अभी चल रहा है, वो अभी एंड होना है। और अगर एंड हो गया तो यहाँ पे एंडिंग डेट लिख देंगे, अगर नहीं हुआ अभी चल रहा है प्रोजेक्ट तो ऑनगोइंग लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद एसोसिएट विद, मतलब ये प्रोजेक्ट किसके किस कंपनी में रह के आपने किया, या कहाँ किस अदारे में आप काम कर रहे थे जहाँ पे आपने ये प्रोजेक्ट किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने कोई ना कोई डेमो, अगर आप आईटी के रिलेटेड हैं तो फाइवर एक आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अगर आप टीचिंग या किसी और अदारे में तो आप फिर एक डेमो कोई भी एक एक्सपीरियंस अपना ऐड करें। यहाँ पे देखें कि वो चीज़ें आ रही हैं जो एक्सपीरियंस आपका था, यहाँ से आप यहाँ तो एक्सपीरियंस एक प्रोजेक्ट हो सकता है कि आपने किसी कंपनी में रहते हुए किया, एक्सपीरियंस क्या कंपनीज हैं, और या फिर किसी अदारे में एजुकेशन, जब आप तलीम हासिल कर रहे थे तो तब आपने कोई प्रोजेक्ट किया, तो आप दोनों प्रोजेक्ट्स, दोनों कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने कह दिया कि मैंने ये फाइवर में किया था प्रोजेक्ट, तो मैं अब कह चुका हूँ कि भाई मैंने फाइवर में ये Rozee.pk बना दिया, अब ये बस मुझ पर केस ना कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे कि जो भी Rozee.pk क्या है। Rozee.pk भाई एक वेबसाइट है जहाँ पे जॉब्स मिलती हैं, ओके। इसकी डिस्क्रिप्शन जो भी आप Rozee.pk की, और इसका मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जब भी आप किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखने लगें सबसे पहले हेडिंग्स को यूज़ करें। कुछ भी काम करने लगे हैं ना डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड तो हेडिंग्स को ज़रूर यूज़ करें, ताकि जो पढ़ रहा है ना, जो भी आपके इस चीज़ को रीड कर रहा है उसके लिए जितनी आसानी हो सके हो, आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जारी बात है कि अगर मैं आपकी CV रीड कर रहा हूँ और मुझे किसी चीज़ की समझ ही नहीं लग रही कि इसने पता नहीं ये क्या चीज़ लिख दी है, तो हो सकता है कि मैं आपकी CV को दूर रख दूँ और किसी अच्छी CV को पकड़ के उसको जॉब प्रोवाइड कर दूँ। तो यहाँ पर आप अपनी CV को जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतने ही चांसेस है आपको जॉब मिलने। ये मैंने सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी, बस ये मैंने लोगों की जगह अपनी तस्वीर लगा दी है, बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं सारी सही है। और जब हम सेव करेंगे आप देख सकते हैं ये भी हमारा टिक हो गया और हमारी प्रोफाइल जो है 80% कंप्लीट हो गई है। हमने अपनी प्रोफाइल को इन पांचों वेबसाइट्स में 100% कंप्लीट करना है, ज़रूरी है ये, ताकि हमें जॉब जल्द से जल्द मिले। उसके बाद एक्सपीरियंस हमने ऐड कर लिया, यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज़ रहेगी स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि जॉब आपको किस तरह मिलती है, कि किसी ने जॉब का ऐड लगाया, उसने जॉब रिक्वायरमेंट लगा दी।